समाचारों का घोसीकरण और जीत का प्रण। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। मऊ की घोसी विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये चुनाव दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा है। इस चुनाव से सरकार बनने या बिगड़ने वाली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये चुनाव सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के गठबंधन के लिए नाक का सवाल बन गया है। ये रिपोर्ट देखिए। घोसी विधानसभा का चुनावी मैदान बीजेपी विपक्ष में छिड़ा घमासान। विपक्ष ने झोंकी ताकत, सत्ता पक्ष भी तैयार। यादव परिवार का डेरा, मंत्रियों ने भी घोसी को घेरा। उपचुनाव क्यों बन रहा साख का सवाल। पूर्वांचल की घोसी विधानसभा के उपचुनाव की लड़ाई हर रोज दिलचस्प होती जा रही है। घोसी विधानसभा के उपचुनाव से सरकार पर किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसके बावजूद सपा और सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए ये चुनाव साख का सवाल बन गया है। एनडीए के खिलाफ बने नए गठबंधन इंडिया के लिए यहां से जीत लिटमस टेस्ट साबित होने वाली है। यही वजह है कि दोनों की तरफ से अपने तमाम घोड़े खोल दिए गए हैं। उपचुनाव में परचम फहराने के लिए यादव परिवार ने घोसी में डेरा डाल दिया है। घोसी उपचुनाव जीतकर यूपी में सपा ही बीजेपी का विकल्प है, ये साबित करने के लिए सपा के तमाम नेता घोसी की गलियों की खाक छान रहे हैं और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने भी अपना समर्थन सपा उम्मीदवार को दे रखा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोसी की अपनी जनसभा में स्पष्ट कर दिया था कि घोसी का ये चुनाव 2024 के लिए संदेश है। अखिलेश के भाषण से साफ हो गया कि विपक्ष इसे इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन की तरह ही देख रहा है। दरअसल यूपी में एनडीए के खिलाफ इंडिया के गठन के बाद घोसी विधानसभा का उपचुनाव पहला चुनाव है, इसलिए एनडीए के लिए भी यह उपचुनाव लिटमस टेस्ट बन गया है। बीजेपी के लिए यह उपचुनाव इसलिए साख का सवाल है क्योंकि वैसे जीतकर लोकसभा चुनावों से पहले जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि वो अजय हैं और उसके विजय रथ के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। यही वजह है कि घोसी के घमासान के लिए बीजेपी अपने मंत्रियों की फौज तो उतारी है, साथ ही एनडीए के तमाम दलों के नेता भी बीजेपी उम्मीदवार के लिए कमर कसे हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने घोसी विधानसभा के उपचुनाव में सपा छोड़कर बीजेपी से आए दारा सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। दारा सिंह चौहान 2022 में यहां से सपा के टिकट पर जीत दर्ज करके विधानसभा पहुंचे थे। दारा सिंह के सामने अब सपा ने अपने पुराने धुरंधर सुधाकर सिंह पर दाव लगाया है। सुधाकर सिंह के जमीन से जुड़े होने की वजह से घोसी में कांटे की टक्कर हो गई है। सपा अपने बेस वोट के अलावा दलित और सवर्णों के वोट बैंक में सेंधमारी करती दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने परंपरागत सवर्ण वोटों से दूर अति पिछड़ी जातियों में जबरदस्त पकड़ बनाए हुए है। इसकी वजह दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे नेताओं की तिकड़ी है, जिनकी पकड़ तो अपनी अपनी जाति में है, लेकिन ये सब बीजेपी के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। घोसी उपचुनाव का पूरा दारोमदार सवर्ण और दलित मतदाताओं पर टिका है। सुधाकर सिंह सवर्ण है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि क्षत्रिय वोटर्स का स्पष्ट रुझान सपा की तरफ हो सकता है। वहीं सवर्णों का एक तबका सुधाकर के स्थानीय और जमीनी होने की वजह से भी उनके साथ जुड़ सकता है। जातियों का यह समीकरण सपा को बढ़त दिलाता दिख रहा है, लेकिन चुनाव आते आते सवर्ण मतदाता, खासकर ब्राह्मण, कायस्थ और भूमिहार मतदाताओं के मूड बदल सकते हैं, क्योंकि इन वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी करके अपने मंत्रियों की फौज घोसी में उतार दी है। घोसी विधानसभा क्षेत्र में मुसलमानों के बाद सबसे ज्यादा तादाद दलितों की है, जो बसपा का कैडर वोटर माना जाता रहा है, लेकिन उपचुनाव में बीएसपी चुनावी मैदान से आउट है। ऐसे में बसपा के मतदाता फ्री है। अब देखना यह है कि दलित वोट अपना दिल किसके साथ लगाता है। एक अनुमान के मुताबिक घोसी विधानसभा क्षेत्र में 70,000 अनुसूचित जाति को वोटर हैं, वहीं 85,000 मुस्लिम, जिसमें सबसे ज्यादा अंसारी बुनकर हैं, 50,000 राजभर, 55,000 चौहान, 19,000 निषाद, 15,000 क्षत्रिय, 14,000 भूमिहार, 7,000 ब्राह्मण, 30,000 बनिया, 15,000 कोयरी, 5,000 से अधिक प्रजापति कुम्हार हैं।
घोसी का उपचुनाव तय करेगा कि आने वाले 2024 में आमने सामने का चुनाव क्या बीजेपी को हराने के प्रयोग में सफल होगा या नहीं। यही वजह है कि इस चुनाव में कामयाबी के लिए सपा और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब इंतजार 8 सितंबर का है, जब यहाँ के चुनावी नतीजे बताएंगे कि घोसी करण का असल वीर कौन है, कौन अजय है या कौन बीजेपी का विकल्प बनकर यूपी में उसे टक्कर दे सकता है। घोसी का चुनाव हर एक बीतते दिन के साथ रोमांचक मोड़ पर पहुंचता जा रहा है। ये लड़ाई महज दो पार्टियों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई दोनों ही पार्टियों के वर्चस्व की लड़ाई है और सीधी तौर पर लड़ाई यहाँ पर एनडीए वर्सेस आईएनडीआईए के खिलाफ है। अगर हम बात करें यहाँ के समीकरण की तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटर दलित वोटर्स माने जाते हैं और इस बार तो बसपा चुनावी मैदान में नहीं है, तो साफ तौर पर यह माना जाए कि दलित वोटर इस सीट पर निर्णायक भूमिका इस बार भी निभाने वाले हैं। अब ऐसे में दलित वोटर्स का समर्थन किस पार्टी को है ये तो जब नतीजे आएंगे तभी साफ होगा, लेकिन हर एक पार्टी यहां जोर आजमाइश करती हुई फिलहाल नजर आ रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देश दुनिया की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस